खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या नाम है जी? मेरा भाई मोनू नाम है। भाई जेजेपी ने बीजेपी गेला गठबंधन कर लिया है, क्या मानना आपका? कतई गलत कर रहा भाई, सारे जाट नाराज है उसको, कतई गलत कर रहा उसने। क्या नाम है जी? संजय कुमार। जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया, क्या मानना आपका? भाई गठबंधन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गठबंधन किसी भी पार्टी का कोई भी हो, हम तो ये चाहते हैं कि भी हरियाणा का विकास हो, ठीक है, इसमें पार्टी विशेष का कोई हो नहीं है, ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो। रोज सभी से निवेदन है कि भाई अच्छी प्रकार से सरकार चले, पूरी सरकार चले, हम तो ये कहें तीसरे दिन ये ना हो के फिर ये सरकार गिर गई, ये इलेक्शन होगा, नहीं, अच्छी प्रकार से मतलब सरकार चले और हरियाणा का विकास हो, हम तो यही चाहते हैं बस। नाम है जी? राकेश कुमार जी। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? बहुत अच्छा किया जी, जेजेपी ने बहुत अच्छा किया जी, और जो कांग्रेसी हैं जी, जो कृष्ण हुड्डा जो बरोधो हलकम है, जो पहला भी बनया था और भी बना दिया, यो सारी नौकरियां ने बेच कर और खा जा है, जितनी भी नौकरी है कलो ये हल्के में पहुँचा दी है और आड़े के बालक सारे नुह बैठे रह जा है। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर किया है, क्या मानना आपका? अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, बढ़िया निर्णय लिया दुष्यंत साहब ने, अच्छे काम करके दिखाएगा, जिम्मेदारी के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, सारी छत्तीसगढ़ के लिए बढ़िया काम करेगा, और इससे बढ़िया नेता ने निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है, और समर्थक कोई भी मैं कहता है, कोई कि मैं कहता है, तो होता रहता राजनीति खेल है, तो बहुत बढ़िया काम करा है और सबके लिए भला करेगा, और 5 साल विपक्ष में बैठने का क्या फायदा था, जिसमें काम नहीं होगा, तो काम चाहिए है, काम कोसी पर से विलय करो, काम होना चाहिए, काम चाहिए है, और काम के लिए हमने दूसरे भाई को बनाया है, और इसे बहुत बढ़िया काम होगा सारा हरियाणा प्रदेश में जी। राम निवास। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? नहीं, वो गलत किया भाई, हमने जेजेपी को वोट दिया, बीजेपी को नहीं, हम तो आगे भी बीजेपी को नहीं देंगे, जेजेपी को ही देंगे, ये अच्छा नहीं किया, कांग्रेस में चला जाता तो अच्छा था, हर वाले के साथ चलना चाहिए था, इसने जितने वाले के साथ नहीं, हम तो यही कहते हैं भाई। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? हम लोग तो मानते हैं इसको भाई, इसका वोट खिलाफ बीजेपी ने समर्थन इसका कर दिया, इसको जाना चाहिए था उड्डा के साथ में, कांग्रेस के साथ में जी। मेरा सुरेंद्र मलिक। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? ये बहुत ही बढ़िया किया है भाई दुष्यंत ने, हरियाणा के विकास के लिए, युवा को 75% जो उन्हें वादा किया था उसके लिए विधानसभा में और खट्टर से मिलके इसको पूरा करेंगे, और किसानों के भी जो फसल के भाव और कर्ज माफी के हैं वो भी उससे मिलके ये काम दुष्यंत भाई डिप्टी सीएम करवाने का काम करेंगे, और हरियाणा बहुत ही खुशहाल होगा। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो ही खुद अब आप आने वाले टाइम में इसको बहुत ही अच्छा बताएंगे। नाम जी? देवेंद्र रांगड़ा जी। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय, और सभी से ये जो जेजेपी ने जो दुष्यंत जी ने जो भाजपा से समर्थन दिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, हरियाणा हित में किया हुआ काम है, और भाजपा का जो है ना कुनबा जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, आने वाले टाइम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपने जो देखा है कि भाई दुष्यंत जी जो है ना अच्छे कदम उठाते हैं, तो इसे मनोहर लाल और इनको साथ मिल करके जो है ना अच्छा काम करेंगे, हरियाणा के हित में काम करेंगे। सोनू कुमार भाई। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? बहुत बढ़िया किया कि दोनों सरकार मिलकर काम करेंगे देश हित में, तो बहुत अच्छा रहेगा कि कोई भी नजायज काम करेंगे तो सरकार गिर भी सकती है, और इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ है, और मैं तो चाहता हूँ कि वह देश के लिए बहुत से अच्छे काम हो, कि गरीबों के भी अमीरों के भी को देश के लिए बढ़िया भविष्य का काम होना चाहिए, जो भी बहुत अच्छा रहे। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका?
ये जी बिल्कुल गलत राय है, अच्छा नहीं किया उन्होंने। जैसे लोगों ने वोट दी थी ऐसा सोचा नहीं उन्होंने कि भाई लोगों की क्या राय है, उन्होंने पता तो करना चाहिए था पहले भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, किसी को पूछा भी नहीं। नाम है जी? जगमेंद्र सिंह। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? ये जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया जो, इसके लिए लोगों के साथ मंथन करना चाहिए था, लोगों की विचारधारा को आगे रख के उनसे पूछ के सलाह करके तब ये कदम उठाना चाहिए था, और उन्होंने इसके साथ गठबंधन करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। और इन्होंने अपने एमएलए वगैरह और जो भी है उनसे सलाह मशवरा करके तब ये कदम उठाना चाहिए था, और इन्होंने ये कदम उठा के बहुत गलत किया है जी। मेरा नाम विक्की है। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने जेजेपी को वोट दिया था ये समझ के वोट दिया था कि बीजेपी आगे सरकार नहीं आनी चाहिए, पर खुद दुष्यंत जी ने बीजेपी को समर्थन किया। दो घंटे पहला नैना सिंह चौटाला का बयान था कि हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, यही बयान 20 मिनट पहले दिग्विजय भाई साहब का था, उन्होंने भी बीजेपी के साथ समझौता किया, उन्होंने ये काम बहुत गलत किया, इसे पब्लिक परेशान है, कार्यकर्ता अब बेचारे क्या करेंगे। जी जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? ये अच्छा निर्णय लिया है बीजेपी ने, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, इसमें हरियाणा के लिए बहुत फायदा साबित होगा, और मजदूर का जो कार्य होगा वो जनता को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। धर्मेंद्र जंगड़ा। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? मानना ठीक रहा है, हरियाणा भला होगा, अच्छे काम होंगे। अब वो चिट में मले बीजेपी गलत करेगी तो टांग खींच सके है, तो चाहिए था जो करे भाई, वर खराब है, लाठी चार्ज कर दिए है गवर्नमेंट के, मैं सोचा नहीं कर दी, ये सोचेगी जो भगदड़ ले थे जो डाकू थे वहाँ राय दिए प्रजा ने, ठीक ही नू हो जाएगा, दाब पड़ जाएगी सरकार के ऊपर, नहीं तो खुले सांड की डाला हो गए थे, ये ठीक चल लेंगे जी। सतीश सूर्या। जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या मानना आपका? देखिए सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी मेहनत के साथ सरकार को दोबारा लाने का प्रयास किया है, और जेजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ है ये भी सबके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जुसन जी भी काफ़ी अच्छी मेहनत करके और सरकार में आए हैं, और जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके साथ मिलके और दोबारा सरकार बनाने के लिए खट्टर साहब को CM और हमारे दुष्यंत जी को डिप्टी CM बनाया है, तो ये हम सब मिलके एक हरियाणा को नई गति देंगे, और हरियाणा को विकास के पथ पे ले जाते हुए हरियाणा के युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और जैसा कि दुष्यंत जी भी युवा हैं तो वह युवाओं को और अच्छी तरह जागृत करेंगे, और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग भी करेंगे।